वेलकम टू साइंस वर्कशॉप दिस इज हेयर। इन दिस वीडियो टॉक अबाउट मस्कुलर सिस्टम ऑफ इंसेक्ट्स। तो आइए देखते हैं इंट्रोडक्शन देखते हैं इसके बारे में द मस्कुलर सिस्टम ऑफ insects रेंज फ्रॉम फ्यू हंड्रेड टू फ्यू थाउजेंड मसल्स अब जो इंसेक्ट का मस्कुलर सिस्टम है वो फ्यू हंड्रेड से फ्यू थाउजेंड मसल के साथ में मसल्स की रेंज में होता है यानी कि इतनी मसल्स उसमें प्रजेंट होती हैं इंसेक्ट हैव ओनली स्ट्रेटेड मसल्स इंसेक्ट में केवल स्ट्रेटेड मसल्स पाई जाती हैं स्ट्रेटेड यानी धारी धार मसल्स जो होती हैं इंसेक्ट्स मसल्स आर मोस्टली कलरलेस और ग्रे थ्रो द फ्लाइट मसल्स ऑफन ए येलोइश और ब्राउन टेंज Uh, इंसेक्ट में जो मसल्स होती हैं वो कलरलेस होती है, या फिर अगर उनका कलर होगा तो ग्रे होगा और uh, केवल जो फ्लाइट मसल्स होती हैं उनका कलर येलोइश होता है या फिर ब्राउन कलर का हो सकता है मोस्ट ऑफ मसल्स अटैच टू द इनसाइड बॉल ऑफ एग्जोस्लेटन अब जो ज़्यादातर मसल्स हैं इंसेक्ट की वो एग्जोस्लेटन uh, वॉल के अंदर की तरफ अटैच रहती है मोस्ट मसल्स एक्टिविटीज आर कंट्रोल्ड बाय नर्वस सिस्टम ज्यादातर मसल्स की जो एक्टिविटी है वो नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल्ड रहती है मैनी इंसेक्ट्स आर एबल टू लिफ्ट ट्वेंटी टाइम्स देयर ओन बॉडी वेट लाइक राइनोसीरस बीटल एंड मी जम्प डिस्टेंस दैट आर मैनी टाइम्स ग्रेटर दैन देयर ओन लेंथ दिस इज बिकॉज देयर एनर्जी आउटपुट इज हाई इन रिलेशन टू देयर बॉडी मास अब बहुत सारे इंसेक्ट है वो अपनी अपना जो बॉडी का वेट है उससे कहीं ज़्यादा वेट को लिफ्ट करने में उससे ट्वेंटी टाइम्स ज़्यादा वेट को लिफ्ट करने में या उठाने में कैपेबल होते हैं इसके लिए एग्जाम्पल हम देख सकते हैं राइनोसिरस बीटल है और इसके अलावा जो इंसेक्ट की बॉडी की लेंथ है उससे कहीं ज़्यादा वो लेंथ डिस्टेंस को जंप कर सकते हैं और ये ऐसा करने में कैपेबल क्यों होते हैं क्योंकि ये जो अपना बॉडी मास है उसके कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करने की वजह से ये ऐसा कर सकते हैं ठीक है नेक्स्ट देखते हैं फंक्शन ऑफ मस्कुलर सिस्टम सिस्टम के क्या-क्या हैं वो देखते हैं सपोर्ट ऑफ द बॉडी बॉडी को सपोर्ट करता है पॉस्चर यानी बॉडी की शेप क्या होगी उसको मेंटेन करने में हेल्प करेगा मोमेंट्स ऑफ लिम्स इंक्लूडिंग ऑविपोजिटिव लिम्स के मोमेंट में हेल्पफुल होगा ओबीपॉजिटर के मोमेंट में हेल्पफुल होगा अब ओबीपॉजिटर एक ऑर्गन है इंसेक्ट में जो कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ठीक है मोमेंट ऑफ द विंग्स विंग्स के मोमेंट के लिए हेल्पफुल है इंसेक्ट्स आर द ओनली इनवर्टिब्रेट दैट फ्लाई इंसेक्ट जो है वो ओनली ऐसे इन्वर्टिब्रेट है जो कि फ्लाई कर सकते हैं उड़ सकते हैं ठीक है मोमेंट ऑफ द विसेरा विसेरा यानी हाथ के मोमेंट के लिए भी हेल्पफुल होता है लोकोमोशन लोकोमो लोकोमोशन भी इसका फंक्शन है क्लोजर ऑफ स्पाइरेकल्स यानी स्पायरेकल्स का बंद होना ऑपरेशन ऑफ वेरियस पंप सच एज सिबेरियल पंप एंड पंपिंग ऑफ द पॉइजन क्लैंड अब बहुत सारे पंप को ऑपरेशन करने में ये फंक्शन करता है लाइक like सेबेरियल पम्प हो गया पम्पिंग ऑफ द पॉइजन क्लैंड हो गया जनरेशन ऑफ हीट बाई शिवरिंग और शिवरिंग के द्वारा हीट को जनरेट करता है ओके okay. नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ मसल्स बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी मॉर्फोलॉजी के बेस पे मसल्स कितने टाइप की हैं कार्डिक मसल्स नॉट फाउंड इन इंसेक्ट्स कार्डिक मसल्स इंसेक्ट में नहीं पाई जाती स्मूथ मसल्स नॉट फाउंड इन इंसेक्ट्स ये भी इंसेक्ट में नहीं पाई जाती स्ट्रेटेड मसल्स फाउंड इन इंसेक्ट स्टेटेड मसल्स जो है वो इंसेक्ट में पाई जाती है द ओनली मसल टाइप फाउंड इन इंसेक्ट इज स्टेटेड मसल्स यानी स्टेटेड मसल्स जो है वो इंसेक्ट में पाई जाती हैं इंसेक्ट डू नॉट हैव कार्डिक और स्मूथ मसल्स इंसेक्ट कार्डिक और स्मूथ मसल्स नहीं रखता है या इंसेक्ट में ये कार्डिक और स्मूथ मसल्स नहीं पाई जाती हैं नेक्स्ट देखते हैं फोर टाइप ऑफ मसल्स फाउंड इन इंसेक्ट्स अब चार टाइप की मसल्स हैं जो कि इंसेक्ट में पाई जाती हैं विसरल सेगमेंटल अपेंडेज अपेंडिक्यूलर एंड फ्लाइट मसल्स ठीक है फर्स्ट uh, देखते हैं विसरल मसल देस मसल्स अराउंड द ट्यूब एंड ट्यूब एंड डकट एंड प्रोड्यूस पेरेस्टाइलिस एज डेमोन्स्ट्रेटेड इन द डायजेस्टिव सिस्टम अब ये जो मसल्स हैं वो ट्यूब और डक्ट्स को सराउंड करके रखती है या घेरे हुए रहती है और पेरेस्टाइलिस प्रोड्यूस करती है डाइजेस्टिव सिस्टम में ओके सेगमेंटल मसल्स कॉजिंग टेलीस्कोपिक ऑफ मसल सेगमेंट्स रिक्वायर फॉर मोल्टिंग ये जो है वो मोल्टिंग के लिए रिक्वायर होती हैं इंक्रीज इन बॉडी प्रेशर बॉडी प्रेशर को इनक्रीज uh, करती है और लोको मोशन को uh, में हेल्पफुल होती है इन लेगलेस लार्वा जिनमें लेग नहीं पाई जाती जिन लार्वा में उनमें लोको मोशन के लिए हेल्पफुल होती हैं सेगमेंटल मसल्स ठीक है नेक्स्ट है अपेंडिकुलर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम आइदर द स्टर्नम द टर्गम एंड इंसर्टेड ऑन दॉक्सी दसल्स मूव अपेंडिज एज वन यूनिट ये या तो स्टर्नम से ओरिजिनेट होती है या टर्गम से ओरिजिनेट होती है इंसर्टेड ऑन द कॉक्सी और कॉक्सी में इंसर्टेड होती है और ये जो मसल्स है अपेंडेज एज वन यूनिट एक यूनिट की तरह मूव करती है दीज आर अरेन्ज सेगमेंटली एंड यूजली इन एंटागोनिस्टिक पेयर्स Uh, ये जो मसल्स है ये सेगमेंटली अरेन्ज्ड होती है और एंटागोनिस्टिक पेयर्स में अरेंजड होती है यानी प्रतिपक्षी पेयर्स बोल सकते हैं इसको अपेंडेज पार्ट ऑफ सम इंसेक्ट्स एग्जाम्पल द गैलिया एंड लेसिनिया ऑफ द मैक्सिली ओनली हैव फ्लैक्सर मसल्स Uh, जो गैलिया और लेसिनिया है वो केवल फ्लैक्सर मसल्स ही रखते हैं एक्सटेंशन ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज बाय हीमोलियम प्रेशर एंड क्यूटिकल इलास्टिसिटी और इन सारी स्ट्रक्चर का जो एक्सटेंशन होगा जो इसका विस्तार होगा वो हीमोलिम प्रेशर और क्यूटिकल इलास्टिसिटी के द्वारा होगा ठीक है नेक्स्ट टाइप आ गया फ्लाइट मसल्स का फ्लाइट मसल्स आर द मोस्ट स्पेशलाइज्ड कैटेगरी ऑफ मसल्स एंड आर कैपेबल ऑफ रैपिड कॉन्ट्रैक्शन अब ये वाली जो मसल है बहुत ही स्पेशलाइज कैटेगरी में आती हैं और ये बहुत ही ज़्यादा रैपिडली कॉन्ट्रेक्शन करने में कैपेब कैपेबल होती है रैपिडली यानी कि बहुत ही फास्ट फास्ट कॉन्ट्रेक्शन करने में कैपेबल होती है नर्व इम्पल्सेज आर रिक्वायर्ड टू इनिशिएट मसल कॉन्ट्रेक्शन एंड देयर फोर फ्लाइट अब मसल कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए नर्व इम्पल्स रिक्वायर होता है और फ्लाइट करने के लिए भी नर्व इम्पल्स

देज मसल्स आर ऑल्सो नॉन एज न्यूरोजेनिक और सिंक्रोनस मसल्स इन मसल्स को न्यूरोजेनिक मसल्स भी कहते हैं न्यूरोजेनिक मसल्स या सिंक्रोनस मसल्स भी कहते हैं ठीक है दिस इज बिकॉज देर इज वन टू वन कॉरस्पॉन्डेंस बिकॉज एक्सटन पोटेंशियल एंड मसल कॉन्ट्रेक्शन और ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि एक्सन पोटेंशियल और मसल कॉन्ट्रेक्शन के बीच में कॉरेस्पॉन्डेंस बना रहता है या फिर बैलेंस मेंटेन रहता है ठीक है इन इंसेक्ट विद हायर विंग स्टॉक फ्रिक्वेंसी दस कंट्रैक्ट मोर फ्रिक्वेंटली रेट दैट दर्व इंपल्स मसल्स जो इंसैक्ट हाइयर विंग स्टॉक फ्रिक्वेंसी के होते हैं जिनमें हायर विंग स्टॉक फ्रिक्वेंसी पाई जाती है उनमें क्या होगा नर्व इम्पल्स के कम्पेरिजन में कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा और इसको क्या कहेंगे एस इनक्रोनस मसल्स इस नेक्स्ट स्लाइड में इसको देखते हैं आपस से फ्लाइट मसल्स टाइप्स इसको हम दो टाइप में बोल सकते हैं सिंक्रोनस टाइप और एसिंक्रोनस टाइप तो सिंक्रोनस क्या हो गया वन मसल कॉन्ट्रक्शन पर नर्व इम्पल्स यानी कि एक नर्व इम्पल्स होगा तो एक ही मसल कॉन्ट्रेक्शन होगा ओके फाइव टू फिफ्टीन बीट्स पर पर सेकेंड और एक सेकेंड में पाँच से पंद्रह बीट्स होंगे एग्जाम्पल देखते हैं बटरफ्लाई साइलेंट विंग बीट्स यानी कि इसमें जब ये उड़ेगा जब फ्लाइट करेगा तो उस वो आवाज़ नहीं करेगा वो साइलेंट विंग बीट्स होगा ओके एस में क्या होगा मैनी मसल कंट्रक्शन पर नरो इम्पल्स यानी बहुत सारे मसल कंट्रक्शन होंगे एक इम्पल्स के साथ में फाइव हंड्रेड टू वन थाउजेंड बीट्स पर सेकेंड एक सेकेंड में फाइव हंड्रेड टू वन थाउजेंड बीट्स होंगे फ्लाइज बीज वास्प ये इसके एग्जाम्पल हैं क्योंकि वास्प और बीज है हमने देखा है कि ये जब उड़ते हैं फ्लाइट करते हैं तो श्योरली आवाज़ सुनाई देती है एक बद साउंड सुनाई देती है तो ये एक साइलेंट विंग बीट्स नहीं हुआ मीन्स क्योंकि इसमें मसल कॉन्ट्रक्शन ज़्यादा बार हो रहा है एक नर्व इम्पल्स के साथ में ठीक है ये एक डायग्राम है मस्कुलर सिस्टम इन इंसेक्ट का जिसमें कि शो किया गया है एग्जोस्कलेटन फ्लैक्सर मसल एक्सटेंशन मसल एंड जॉइंट के लिए ठीक है ये एक सिंपल सा डायग्राम है आई होप इसको देख के आप समझ जाओगे ओके नेक्स्ट देखते हैं फुल्ली डेवलप्ड एंड फंक्शनल विंग्स ओक्योर ओनली इन अडल्ट इंसेक्ट्स जो अडल्ट इंसेक्ट्स होते हैं केवल उनमें पूरी तरह से डेवलप्ड और फंक्शनल विंग ही ओक्योर होते हैं ठीक है फ्लाइट हैज़ अलाउड द इंसेक्ट टू डिस्पर्स एस्केप फ्रॉम एनिमीज एंड एनवायरमेंटल हार्म एंड कॉलोनाइज न्यू हैबिटाट्स अब फ्लाइट है जो इंसेक्ट को वितरित करने में डिस्पर्स करने में हेल्पफुल होती है एनिमीज से एस्केप करने में या फिर दुश्मनों से बचने में हेल्पफुल होती है एनवायरमेंटल हार्म से बचने में हेल्पफुल होती है और नए हैबिटाट में कॉलोनाइज होने में हेल्प करती है यानी कि नए नई जगह पे नए हैबिटाट में वो कॉलोनी बना सकते हैं ठीक है वन ऑफ़ द इंसेक्ट्स की एडेप्टेसन इज़ फ्लाइट इंसेक्ट के एडेप्टेसन में एक फ्लाइट भी एक की है

सिस्टम वेयर देर इज़ नो मसल टू विंग कनेक्शन एंड इंस्टीड दे आर अटैच टू ए हाईली फ्लैक्सीबल बॉक्स लाइक थॉरैक्स जो इंसेक्ट है वो उड़ने के लिए पावर जनरेट करते हैं और वो या तो डायरेक्ट फ्लाइट मसल जो, जो है वो विंग से अटैच होती है या फिर इनडिरेक्टली सिस्टम से अटैच होती है जिसमें कि uh, मसल्स जो है विंग से कनेक्ट नहीं होती और Uh, जो हाईली फ्लेक्सिबल बॉक्स लाइक थॉरेक्स होता है उससे अटैच होती है मसल्स और उड़ने के लिए पावर जनरेट करती हैं तो आई होप ये वीडियो आपको समझ आया होगा ये टॉपिक आपको समझ आया होगा और ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा uh, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू